देख रहे हैं डेली इनसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। अगर आप बुक पढ़ने की चाह रखते हैं या आपको राइटर्स पसंद है या राइटर्स की लिखी हुई जो बुक्स होती है वो आपको पसंद है, कविता, हास्य की कविताएं पढ़ने की अगर आप पसंद रखते हैं, तो आपको एक ऑफ़र में बता दूं, लखनऊ मेट्रो हज़रतगंज के लखनऊ मेट्रो पे यहाँ पे बुक फेयर लगाया गया है। और ये बुक फेयर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो 16 जनवरी से लगा है और 28 फरवरी तक लगा रहेगा। इसी के चलते हम यहाँ की जो पब्लिक है यहाँ से भी बात करेंगे और जिनके थ्रू यहाँ पे आज बुक फेयर लगा हुआ है उनसे भी जानेंगे कि जो ये बुक फेयर है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेट्रो है और मेट्रो पर सफ़र करने वाले यात्री काफ़ी हैं, उनसे ही जानेंगे कि कैसा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है लखनऊ मेट्रो में। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मैं अली हसन और हम ऑर्गेनाइज़र हैं इस बुक फेयर के, और ये 16 से और अब एक्सटेंड कर दिया गया और 20 फेब तक यहाँ पर लगा है। और बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमें एक चीज़ लग रही थी कि आज कहीं दुनिया किताबों से दूर हो रही है, लेकिन यहाँ जो पैसेंजर्स आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है अभी भी काफ़ी क्रेज़ है और काफ़ी लोग आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है। जिस तरह अभी आपने बोला कि एक तरीके से दुनिया किताबों से दूर हो रही है, सोशल मीडिया आ गया है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्या कहना चाहेंगे यूथ को, यूथ कितना आ रहा है यहाँ पे? देखिए, यूथ ही मैं समझता हूँ ज़्यादा आ रहा है। और देखिए, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैंड्स कहलाते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे ये हाथ हैं और इसी के ज़रिए हम लोगों तक अप्रोच करते हैं। तो हमारी अभी तक जो प्रमोशन चल रही है तो इंस्टा और फेसबुक के ज़रिए काफ़ी यूथ आ रहा है और मैं समझता हूँ आज उसी से ज़्यादा आ रहा है, तो यूथ पूछ कर आता है, खासकर इंस्टाग्राम को देख कर आता है। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ स्टैंड भी लगाया गया है, क्या है उसका, कहा जा रहा है डिस्काउंट भी है और जो विन होगा उसको काफ़ी बुक्स गिफ्ट दी जाएगी। हाँ, इसलिए हमने सेल्फी पॉइंट लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा आई लव बुक्स करके हमने इसकी टैगलाइन दी हुई है कि लोग किताबों को थोड़ा मोहब्बत की नज़र से देखें और सिर्फ अपनी महबूबाई को ना देखें, क्योंकि वैलेंटाइंस डे था तो हमने इसको काफ़ी सजाया और इसलिए करा और कि इंसान अब किताबों को भी अपनी महबूबा समझे, उससे भी उतना ही प्रेम करे। तो इसको सेल्फी है और सेल्फी पॉइंट है, इस पर हमने गिफ्ट भी रखे हैं, इंस्टेंट गिफ्ट भी हैं, क्योंकि कोई आए तो इंस्टेंट गिफ्ट भी ले सकता है। और साथ में फिर हमारे लास्ट डे जो है वो लकी ड्रॉ होगा, उसके अंदर भी जो है निकलेंगे जो गिफ्ट्स हैं और प्राइजेस हैं जो निकलेंगे, जो लकी ड्रॉ होगा, जो विजेता होगा उसको 5,000 रुपए के काफ़ी लोगों को हम इनाम दे रहे हैं, किताबें हैं उनके मनपसंद। ऐसा कहा जा रहा है कि जब लास्ट डे होगा 28, तो काफ़ी वो आ रहे हैं यहाँ पे, ऑथर्स आ रहे हैं अपनी बुक्स को लेकर यहाँ पे बात करेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऑथर्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और अच्छे ऑथर्स आ रहे हैं। आज भी देखिए हमारे साथ बडिंग ऑथर्स भी हैं और हमारे साथ एक सीनियर पर्सन सुशील लमन जी और ये फिल्म एक्टर हैं, ये भी मौजूद हैं। तो ऐसी बात नहीं कि हर ऑथर आ रहा है, और छोटा बड़ा सब हमारे मंच पर आ रहा है, और हमारी नज़र में वो नहीं होता कि छोटा बड़ा, ऑथर ऑथर होता है। तो और सबका वेलकम भी है और हम लगातार लोग आ रहे हैं और हम स्वागत है हमारा इस मंच पे उनका। ओके, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ जो आए हुए हैं ऑथर जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील रमन है। ओके सर, ऐसा बताया सर ने कि अभी आपने किताब भी लिखी आत्मकथा, उसके बारे में पहले सबसे पहले बताइए। एक्चुअली ये मेरी आत्मकथा है और आत्मकथा का नाम रखा है एक असफल व्यक्ति की यात्रा। तो सबसे दिक्कत ये आती है आपने ये नाम क्यों रखा, लेकिन ये नाम कुछ ऐसा है कि असफल व्यक्ति की यात्रा रखना इसलिए कि मेरे विचार से कि आदमी की सफलता का कोई मापदंड नहीं है, न तो कोई अंतिम पड़ाव होता है, आदमी निरंतर चलता रहता है अपनी सफलता की ओर और वो कब सफल होगा ये वो नहीं जानता, दैट्स वाई इट इज़ असफल व्यक्ति की यात्रा। और आत्मकथा जहाँ तक सवाल है मेरी आत्मकथा का, तो ये एक इंस्पायरिंग बुक है, क्योंकि इसमें मैं 40 साल पहले मैंने सपना देखा था कि मैं फिल्मों में जाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा, परिस्थितियाँ रहीं घर की कि मैं जा नहीं पाया और 40 साल तक प्लान करता रहा कि अब मैं मुंबई जाऊँगा, अब मुंबई जाऊँगा, लेकिन जाना नहीं हो पाया। जॉब करता रहा 10 साल 20 साल 25 साल जॉब करता रहा, अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद हमको जाके जाने का मौका मिला बॉम्बे, और वहाँ जा कर के मैंने बहुत सारे सीरियल्स में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गंगा जय संतोषी माँ और सावित्री देवी कॉलेज हॉस्पिटल, महाबली हनुमान वगैरह वगैरह, वेब सीरीज़ अम्मा में शबाना आजमी के साथ मैंने काम किया, और ट्यूबलाइट फिल्म में सलमान खान ओमपुरी जी के साथ मैंने काम किया है, वेब सीरीज़ में किया है, क्रिमिनल जस्टिस में काम किया, कहने मतलब ये काम करता रहा। तो मेरा सपना जो एक्चुअली है रिटायरमेंट के बाद पूरा हुआ, दैट्स वाई ये एक इंस्पिरेशनल बुक बन गई। और मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कभी सफल हुआ 10 साल 20 साल 25 साल बाद जब भी सफल हूँगा
तो मैं आत्मकथा लिख करके मैं उन बच्चों को डेडिकेट करूँगा जो सपने तो देखते हैं मगर जरा सी परिस्थितियाँ अगर उनकी कोई प्रतिकूल होती हैं तो वो अपना रास्ता बदल देते हैं या छोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से चूंकि भगवान ने ये वक्त लाए और मैं अपने सपनों को साकार कर पाया, करने में लगा हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर पाया हूँ लेकिन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा अब ये सही वक्त है कि अपने जो बच्चे हैं उनको मैं कुछ अपनी आत्मकथा से प्रेरणा दूँ और मोटिवेशनल बुक लूँ। तो मैंने ये किताब एक असफल व्यक्ति की यात्रा लिखी और ये दुनिया के सामने आई आज। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा ये लोगों से कहना है, गुजारिश है कि ये किताब लोग ज़रूर पढ़ें और निश्चित रूप से उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। सर अभी आपने बोला जैसे कि जो बुक है वो यूथ के लिए स्पेशली आपने लिखी हुई है, अगर बात करें सोशल मीडिया की, सेम क्वेश्चन मेरा सर से भी था और सेम आपसे भी है, सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना हावी हो गया है कि यूथ कहीं ना कहीं बुक से दूर भाग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या कहना है? देखिए ज़माना तो बदलता ही रहता है लेकिन बुक्स पहले भी थी और बुक्स आज भी हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है कि आज का यूथ सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय दे रहा है और लेकिन बहुत सी चीज़ें ये बुक्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी मौजूद है जिसे कि ये वो अपने मोबाइल में पढ़ भी सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अपने साथ रखने वाली, तो एक पुरानी कहावत कही गई है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ये आपने सुना होगा। लेकिन आप ये मोबाइल या वो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए आप ये नहीं कह सकते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स है, तो बुक्स स्टिल बेस्ट फ्रेंड रहेंगी क्योंकि एक इसे आप सेफली अपने पास रख सकते हैं और इसको आप रात में सोते समय या जब भी हो पढ़ के आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। जब हाथ में एक बुक होती है ना आपके तो एक अलग ही फीलिंग आती है, न कि मोबाइल से आप में से देखेंगे वो फीलिंग आएगी। तो यो से भी मेरा कहना है कि आप ज़रूर मोबाइल में देखिए, सोशल मीडिया से अटैच रहिए, ज़माने के साथ अपडेट रहिए, मगर बुक से आप विमुख मत होइए। बुक्स पहले भी बेस्ट फ्रेंड थी और हैं और आगे भी रहेंगी, इसका एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। जी आप लखनऊ आए हैं और लखनऊ मेट्रो की बात ना करें, लखनऊ मेट्रो पर ये बुक फेयर लगा है, कैसा लग रहा है क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर है और कैसी फैकल्टी आपको मिल रही है लखनऊ? देखिए मैं लखनऊ का ही हूँ, खुशी की बात ये है, और मैं लखनऊ, मैं मुंबई में रहता ज़रूर हूँ लेकिन लखनऊ मेरा घर है तो टाइम टू टाइम मेरा आना भी होता है। और अभी मैं कोविड के समय में लंबे समय से लखनऊ में हूँ, अब मैं फिर जाने का प्लान कर रहा हूँ। मगर जहाँ तक मेट्रो का सवाल है, मेट्रो ने हमारी लखनऊ में ज़िंदगी को बदल दिया है, चारों तरफ अभी और भी मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है और एक मॉडर्न सिटी के रूप में हमारा लखनऊ आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से और मुझे इस बात की खुशी है। जहाँ तक मैं खड़ा हूँ हज़रतगंज के मेट्रो स्टेशन पर, ये हज़रतगंज का मेट्रो स्टेशन तो एक अलग ही इसका आर्किटेक्ट और बहुत ही शानदार है और सब लोग यहाँ आकर के और हज़रत मेट्रो में जो हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है उसे ज़रूर अटेंड करें और मेट्रो का ये अपना इम्पोर्टेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती शब्द शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो अब हम बात करेंगे दूसरे ऑथर से, उनकी भी बुक आई है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी बुक्स में ऐसा क्या है जो यूथ उनसे इंस्पायर हो। नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम उत्कर्ष शुक्ला है। सर आपने बुक जो लिखी है पहले उसका नाम बताइए और क्या है उसके अंदर जिससे यूथ इंस्पायर हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी किताब का टाइटल है अनकवर दी ऑसम यू, रिफ्लेक्शंस टू रिकनेक्ट विद योर बेस्ट सेल्फ। और ये है तो एक नॉन फिक्शन बुक, एक सेल्फ हेल्प बुक है, पर इसको दूसरी सेल्फ हेल्प बुक से अलग मेरे ख्याल से मेरे अनुभव बनाते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। और इसको मैंने लिखा भी इस अंदाज से है कि बहुत ही शॉर्ट है, बहुत सिंपल सी किताब है, इसे इंसान अगर अपनी पहली किताब बनाए, इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट बुक जो कोई इंसान पढ़े तो भी बहुत आराम से पढ़ सकता है और उसे शायद ये उम्मीद है कि किताबों से प्यार हो जाए। और अहम तौर पर इसमें मैंने अपने ही एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं और एक्सपीरियंसेस उन सब चीज़ों के अराउंड ही हैं जो कि हमारी उम्र के लोग, मैं 25 वर्ष का हूँ, तकरीबन आप मान सकते हैं 15 से 25 वर्ष के उम्र के बीच के जो नौजवान हैं वो इन सब चीज़ों से जूझते हैं, कंपैरिजन से, अंडर कॉन्फिडेंस से, कि मान लीजिए उनका किसी चीज़ में रुचि तो है, इंटरेस्ट तो है, पर उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है, कोई कॉन्टेस्ट आता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं शायद मेरे अंदर वो बात नहीं है और मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो लोग मैदान में उतरते ही नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस किताब से, अनकवर दी ऑसम यू से, वो अपनी उस ऑसमनेस को, अपनी बेहतरीनता को पहचाने और आगे चल के जो भी उनके सामने मौके आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, उनका उन्हें दोनों हाथों से एक्सेप्ट करें और विजयी निकले। सर आपने बताया कि आपने, जिस तरह मैंने सुना आपको और ये कहना कि आपने कम उम्र में बुक लिखना शुरू किया,
कहाँ से थॉट आया बुक्स लिखने का, किससे इंस्पायर हुए, क्या है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे ग्रैंडफादर हैं, पद्म भूषण श्री श्रीलाल शुक्ल जी। उन्होंने राग दरबारी नाम का ये जो उपन्यास लिखा है वो आज भी बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित है। तो जब मैं छोटा था, बचपन से लेकर तकरीबन 14 वर्ष की उम्र तक मैंने काफ़ी समय अपने बाबा अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताया है, तो कहीं ना कहीं ये लिखने का कीड़ा और वो लिखने का जो प्रेरणा है वो उन्हीं से मिली है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ बुक के ऑथर, यूथ हैं यहाँ पे, जिस तरह सबने बताया कि ये जो यूथ है वो बुक की तरफ काफ़ी आ रहा है, बुक पढ़ने का शौक़ रख रहा है। उनसे भी जानेंगे कि वो किस चीज़ की बुक पसंद करें, किस तरह की बुक पढ़ना पसंद। अपना नाम बताइए। अनंत नाम है। आप बुक देख रहे हैं, बुक फेयर लगा है मेट्रो स्टेशन पे, कैसा लग रहा है पहले तो यही बताइए। अच्छा एक्सपीरियंस है, पहले मैं आता था तो कुछ रहता नहीं था, बोरिंग बोरिंग लगता था, अब जाके अच्छा लग रहा है। कैसी बुक पढ़ना पसंद करते हैं? अभी तो मैं फिलहाल लॉज ऑफ पावर देख रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं? यस। और क्या पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी थ्योरीज भी पढ़ते हैं और कवि भी होते हैं, लोग कविता भी पढ़ते हैं, आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मुझे तो मतलब लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ना पसंद है, जैसे कि ये लॉज ऑफ पावर है, इसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह से आप कैसे दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत इंस्पायर करती हैं बुक्स। थैंक यू। तो अब हम और लोगों से भी जानेंगे। मैम आपका नाम? पूरन डिडकिया। मैम आपका नाम? शांभवी। आप बुक फेयर में आए हो, मैं लखनऊ मेट्रो स्टेशन पे जो लगा हुआ है हज़रतगंज, पहले तो बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि बुक बहुत ही रेयर पढ़ने को मिलती हैं आज के टाइम पर। जी मैं तो पहली बार लखनऊ आई हूँ और मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो खुश हुई इसे देख के। आप कोई बुक ले रहे हो? सोच रही हूँ। क्या पढ़ना पसंद करते हैं? फिलोसफी। अच्छा उसी में कोई राइटर का, ऐसा राइटर जो आपको काफ़ी इंस्पायर करता हो? अभी तक तो मुझे सबसे अच्छी है एल्केमिस्ट लगी है पॉलो कोएलो की। वैसे मुझे क्राइम थ्रिलर्स भी पसंद है, तो डैन ब्राउन की सारी बुक्स बहुत अच्छी लगती है मुझे उसके लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो यूथ है आज का वो काफ़ी बुक्स की तरफ खिंच रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में इस बुक ने जो अपनी ओर आकर्षित किया ये भी काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। मैम आपका नाम? सुमति अरोरा। मैम बुक फेयर लगा है, पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है एंड मैं बुक लूँगी शायद। कैसी बुक पढ़ना पसंद करती हैं? आई लव टू रीड फिक्शन। ओके, फिक्शन अच्छा लगता है एंड मेरी सबसे बेस्ट बुक अभी तक एल्केमिस्ट ही रही है इवन, एंड बस अभी मैं मलाला यूसुफ़ज़ई की बुक पढ़ूंगी, शी इज़ आइडियल। ओके, जिस तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, सोशल मीडिया आ गया है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें स्टोरीज़ मिल जाती हैं और एक्साइटमेंट भी होती है उसको पढ़ने की, बुक और सोशल मीडिया में सबसे परफेक्ट क्या है? बुक ऑब्वियसली, क्योंकि ये हार्ड कवर है, हार्ड कवर रीड करने में अलग ही मज़ा होता है बुक लवर्स को, और सोशल मीडिया पे वी कैन जस्ट रीड छोटा छोटा स्टोरीज है, इफ़ यू रीड पूरा बुक तो अलग ही मज़ा आता है उसमें। तो ये थे हमारे साथ यूथ, जो आपने देखा कि लखनऊ के जो हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन पे जो बुक फेयर लगा है वो बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ तरह तरह की बुक्स भी पढ़ने को मिल रही हैं। यूथ भी आए हैं, मैंने ऑथर से भी बात करी, उन्होंने भी बताया कि जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं वो यूथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, अगर वो कहीं अपनी राह से भटक जाते हैं तो वो बुक्स उनको राह पे लाती है। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया हार्म करती है, लेकिन ये है कि बुक्स हमेशा साथ देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।